हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ फिर एक नए टॉपिक को लेके आज मैं आपके सामने बताऊंगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म में हम फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम कैसे यूज करते हैं और इनवर्स में भी इसका हम कैसे यूज करते हैं और किस तरह से हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं बाय द हेल्प ऑफ फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम एंड फॉर इनवर्स फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, राइट। सो मैंने इससे पहले आपको समझाया था कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म का कंसेप्ट क्या है और फार्मूले मैंने आपके सामने डिस्कस किए थे। सो आज हम बात करेंगे यहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम के बारे में। सो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम होती क्या है, सो यहां मैं सिंपल सा इसका स्टेटमेंट बताता हूं। अगर आपको लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू, इफ लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस, देन लाप्लास ऑफ ई की पावर ए टी एफ टी इज इक्वल टू एफ एस माइनस। ये सिंपल सा कंसेप्ट है जो आपको याद रखना है। मतलब अगर एफ टी का लाप्लास एफ एस है तो अगर इसके साथ ई की पावर ए टी आ जाएगा तो यहाँ पे एस की जगह क्या हो जाएगा, एस माइनस है। यहाँ पे इसका प्रूफ है कि ये कैसे आता है, बट हमें प्रूफ में घुसने की जरूरत नहीं, हम इसको अप्लाई करना सीखेंगे कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं ना। जब प्रूफ की जरूरत होगी तो मैं आपको वो भी सिखा दूंगा कैसे इसका प्रूफ करते हैं। सो यहाँ देखिए, आप अगर आपसे ये पूछे कि लाप्लास ऑफ ई की पावर टू टी साइन थ्री टी, अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज लाप्लास ऑफ ई की पावर 3t t पावर 4, मैं इन दो एग्जांपल को आपके सामने लेता हूं। मतलब अभी हमने सीखा था कि लाप्लास ऑफ e की पावर 3t कैसे निकालते हैं, लाप्लास ऑफ t पावर 4 कैसे निकालते हैं, ये अलग अलग हमें पता है। अब प्रोडक्ट में कि अगर e की पावर किसी के साथ प्रोडक्ट में आ जाता है तो उसका लाप्लास हम किससे निकालते हैं, तो वो निकालते हैं हम फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से। सो एग्जाम्पल देखिए आप क्या करेंगे, हम जैसे यहां बात करते हैं लाप्लास ऑफ, सबसे पहले हम निकालेंगे लाप्लास ऑफ साइन थ्री टी, देखिए ना एफ टी का निकालेंगे, राइट, मतलब इसका इसका निकालेंगे। सो साइन थ्री टी का लाप्लास कितना होता है, 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9। अब नाउ अगर इसके साथ e की पावर 2t को साथ में कर दिया जाए तो जहां पर भी s है वहां क्या जाता है, s माइनस है। मतलब ये a कितना यहां पे 2 है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, जहां पर भी s है वहां क्या आ जाएगा, s माइनस 2 आ जाएगा, राइट। एक और एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूं, अपन cos का ले लेते हैं ना। सो अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज द लाप्लास ऑफ e की पावर माइनस 3t cos 2t, अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले हम किसका लाप्लास निकालेंगे, cos 2t का निकालेंगे, कितना आएगा ये, s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4। नाउ अब हम e की पावर माइनस 3t किसी के साथ लिया है ना, इसके साथ हमने प्रोडक्ट में लिया, तो देखो यहां पे प्लस है तो माइनस आ रहा है, तो माइनस है तो यहां पे क्या आएगा, प्लस, मतलब जहां पर भी s है वहां क्या आएगा, s प्लस 3 आएगा। सो s प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4, बेटा यहां पे प्लस था तो क्या आया, माइनस, यहां माइनस है तो क्या आएगा, प्लस। एक और एग्जांपल आपके सामने लेता हूं, अगर आपसे ये पूछा जाए कि t पावर 4 e की पावर माइनस 70, आप प्लस 70 ले लीजिए, है ना। सो अगर इसका लाप्लास पूछे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले किसका लाप्लास निकालेंगे, t पावर 4 का लाप्लास निकालेंगे। सो t पावर 4 का लाप्लास क्या होता है, गामा 5 अपॉन s पावर 5, राइट। अब अगर यहां पे क्या कर रहे हैं, हम e की पावर 70 ले रहे हैं तो क्या आएगा, ये t पावर 4 गामा 5, जहां पर भी s वहां क्या आ जाएगा, s मान 7 पावर 5। तो इस तरह से हम इसका लाप्लास इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। मैंने आपके सामने तीन क्वेश्चन लिए यहां पे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि इन्हीं फंक्शन का इनवर्स लाप्लास हम किस तरह से निकालते हैं। मतलब अगर इसका लाप्लास ये है, अब मैं आपको सिखाऊंगा कि इसका इनवर्स लाप्लास लेंगे तो वो ये आएगा। मैं आपको सिखाऊंगा कि इसका इनवर्स लाप्लास लेंगे वो ये आएगा, इसका इनवर्स लाप्लास लेंगे वो ये आएगा। तो इसके लिए हमें सीखना पड़ेगा फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम फॉर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अभी मैंने आपके सामने यहाँ पे तीन क्वेश्चन बताए थे कि कैसे हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से सॉल्व करेंगे, या थ्री एग्जांपल्स मैंने आपके सामने लिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इनवर्स शिफ्टिंग थ्योरम से इसका इनवर्स लाप्लास लेते हैं, है ना। तो यहां पे हमें इनवर्स लाप्लास फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम फॉर, मतलब फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम फॉर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। सो यहां पे क्या होता है, ये लाप्लास ऑफ एफ टी एफ एस है, तो मैं एल को उधर ले जाता हूं, तो लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस इज इक्वल टू एफ टी। मैंने क्या करा, ये एल उधर गया तो ये एल इधर जाएगा, तो उधर क्या होगा, लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस इज इक्वल टू एफ टी, देन लाप्लास इनवर्स ऑफ, ये एल उधर गया, एफ एस माइनस ए इज इक्वल टू कितना आएगा यहां पे, e की पावर एटी एफ टी। अगर इस एफ टी की वैल्यू, बेटा ये एफ टी है और ये एफ टी, इस एफ टी की वैल्यू उठा के यहां रखू मैं, तो लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस माइनस ए इज इक्वल टू ई की पावर एटी
लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये एस माइनस है और यहाँ एफ एस आ गया, मतलब माइनस है हट गया, तो ये बाहर e की पावर at आ जाता है ना। तो हमें ये याद रखना है कि अगर किसी का भी हमें एस माइनस ए या कोई वेरी हटाना, नंबर हटाना यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, बाहर e की पावर at लेके आएंगे, अपने आप वो सॉल्व हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपके सामने लेता हूँ क्वेश्चन नंबर वन लेते हैं। अगर आपसे ये पूछे कि वॉट इज द इनवर्स लाप्लास ऑफ दिस एस माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 9, अगर मैं इसका इनवर्स लाप्लास लूं तो ये आना चाहिए, बिकॉज अपने लाप्लास ये लिया तो ये आया, तो इसका इनवर्स लाप्लास क्या आएगा, ये आएगा। तो मैं सिखाऊंगा कैसे आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 3 को तो बाहर निकाल लीजिए आप। नाउ 1 अपॉन एस माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 9। हमारी फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम फॉर इनवर्स लाप्लास क्या बोलती है कि यहाँ पे माइनस ए हटाएंगे तो ई की पावर एटी आएगा, तो यहाँ माइनस टू हटेगा तो बाहर क्या आएगा, ई की पावर टू टी। मतलब माइनस हटता है तो बाहर प्लस आता है पावर में, राइट है ना। तो माइनस टू हटा तो बाहर क्या आएगा, ई की पावर टू टी। देन लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9, और हम जानते हैं ये एस स्क्वायर प्लस 9 ऊपर एस नहीं आ रहा, मतलब ये साइन बनेगा, तो यहाँ पे इसका फार्मूला क्या होगा, e की पावर 2t साइन 3t अपॉन 3। देखो ये 9 का रूट आता है ना, 3 3 से 3 कैंसल, सो e की पावर 2t साइन 3t। सो इसका लाप्लास इनवर्स लाप्लास क्या आया, ये आया। तो इस तरह से हम इसको निकालते हैं, है ना। ना अब इसकी बात करते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन की, तो क्या आएगा, लाप्लास इनवर्स ऑफ s प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4। तो देखो यहां पे प्लस हटा, माइनस हटा तो प्लस आया, अगर प्लस हटेगा तो क्या आएगा, माइनस आएगा, तो ये प्लस 3 हटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे e की पावर माइनस 3t लाप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4, है ना। ये प्लस हटा तो बाहर क्या आएगा, माइनस, राइट। लाओ कितना आएगा यहाँ पे, e की पावर माइनस 3t, और इसका क्या आएगा, ऊपर s आ रहा है इसलिए क्या आएगा, cos 2t। तो इस तरह से हम इसका लाप्लास इनवर्स निकालते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, जो मैंने आपको समझाया था, लाप्लास इनवर्स ऑफ गामा 5 अपॉन एस माइनस 7 पावर 5। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, गामा 5 को बाहर निकालेंगे, और आपको मैंने बताया था ये माइनस 7 है, माइनस है तो बाहर प्लस आएगा, तो क्या आएगा यहाँ पे, e की पावर 70 लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस पावर 5। एंड देन मैंने आपको फार्मूला में सिखाया था e की पावर 70, क्या फार्मूला होगा इसका, t पावर 4 अपॉन गामा 5। नाउ गामा 5 से गामा 5 कैंसिल, तो इसका आंसर आएगा e की पावर 70। सो इस तरह से हम इन टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। मैं आपके सामने इनवर्स में एक दो एग्जांपल और लूंगा, देन इस टॉपिक को हम खत्म करेंगे। सो यहाँ पे मैं दो एग्जांपल और लूंगा आपके सामने, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम फॉर इनवर्स लाप्लास। सो ये दो एग्जांपल और देखिए आप। सो मैं सबसे पहले वो वाला एग्जांपल्स आपको समझाता हूँ। सो लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 4 एस, तो हम यहाँ लेंगे प्लस 4 प्लस 9। हम इस 13 को 4 प्लस 9 लिख सकते हैं। नाउ क्या होगा, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9, राइट। अब आपको इसका इनवर्स लेना है, तो सबसे पहले ये माइनस हटाएंगे यहाँ पे, तो जैसे ही माइनस हटता है तो बाहर क्या आता है, e की पावर 2t, है ना, माइनस है तो प्लस आएगा, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9। सो e की पावर 2t इसका आंसर आएगा साइन 3t अपॉन 3। सो इस तरह से इसका हम इनवर्स लाप्लास यहाँ पे निकालते हैं। एक एग्जाम्पल और देखिए आप, जैसे ये वाला एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस 4 एस प्लस 4 प्लस 9। नाउ इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो लाप्लास इनवर्स ऑफ, यहाँ पे आपके पास बन रहा है ये एस माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9। अब एक बार ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ जो एस माइनस 2 आ रहा था सिर्फ नीचे आ रहा था, ऊपर नहीं आ रहा था, है ना, बट यहाँ पे ऊपर भी एस आ रहा है, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माइनस 2 प्लस 2 करना पड़ेगा, बिकॉज एस माइनस 2 है तो सब जगह एस माइनस 2 होना चाहिए, तभी वो e की पावर 2t के रूप में बाहर निकलेगा। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एस माइनस 2 अपॉन एस माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9। मैंने यहाँ पे प्लस 2 माइनस 2 किया है, आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ एस माइनस 2 मुझे ऊपर भी क्या चाहिए, एस माइनस 2 चाहिए, इसलिए मैंने ऐसा करा। ये 2 बाहर निकाल लीजिए, लाप्लास इनवर्स ऑफ एस माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस का 9, देन यहाँ पे बाहर निकलेगा तो e की पावर 2t लाप्लास ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9, एंड प्लस ये भी e की पावर 2t लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9। सो जो इसका आंसर आएगा आपके पास वो आएगा cos 3t प्लस 2 e की पावर 2t sin 3t अपॉन 3। सो स्टूडेंट्स, मैंने आज जो आपको समझाया कि फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम होती क्या है, कैसे हम इससे लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, फिर मैंने आपको सिखाया कि जिन क्वेश्चंस का हमने फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से लाप्लास निकाला
उन्हीं का हम इनवर्स लाप्लास फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से कैसे निकालते हैं। सो मुझे लगता है आपको मेरे जो क्लास है समझ में आई होगी और आपको कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी आपको लगता है कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स लिखते रहिए, और आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप शेयर करते रहिए और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।